जिनको स्टेज पे बुलाने जा रहा हूं, एक ऐसा रैंक है रेप्यूटेड रैंक, जहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटर जब माई लाइफ स्टाइल की शुरुआत करता है, जब उसको माई लाइफ स्टाइल का प्लान पता चलता है डिटेल में, तब जाकर वो एक सपना देखता है, एक टारगेट बनाता है, और वो है NTC बनने का। ऐसे हमारे हारमनी के NTC को मैं स्टेज पे स्पीच के लिए इनवाइट करता हूं, आपकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम ऑल नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर लीडर्स। प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मिस्टर नवनीत पटेल का। इनका निवास स्थान है पालनपुर। वे पहले टीचर थे, रैंक नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर इन माय लाइफस्टाइल। इनका बिजनेस फैला हुआ है गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में। ये 2 BHK घर और ऑफिस के मालिक है। इनकी गाड़ियों के चेकलिस्ट में इंडिका, स्विफ्ट डिजायर और होंडा WRV जैसी गाड़ियां है। ये मालिक है इनकी गाड़ियों की चेकलिस्ट में इंडिका, स्विफ्ट डिजायर और होंडा WRV जैसी गाड़ियां है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मिस्टर शैलेश पटेल का। इनका निवास स्थान है महसाना। वे पहले LIC एजेंट थे। और NTC आगे आ जाएंगे, ITC पीछे रहेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ जोरदार ताली माय डियर फ्रेंड्स हमारे नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर्स के लिए। वेरी गुड, नमस्कार, जय हारमनी। वेरी गुड, माई सेल्फ नवनीत पटेल, माई लाइफ स्टाइल बिजनेस इंडस्ट्री का स्टार्टिंग मैंने आज से 6.5 साल पहले किया था। मेरा जो अपलाइन है, मेरे जो ग्रेट गुरु है, उन्होंने मेरे को बिजनेस प्लान दिखाया था। उस टाइम मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। उस टाइम मैंने सोचा कि अगर मैंने जॉब आगे बढ़ाता रहा, अगर जॉब ही करते रहा, तो आने वाले समय में मेरे को 1-2 लाख इनकम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा 5 साल 10 साल 20 साल के बाद भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि आने वाले 20 साल के बाद की आपके घर पे 1-2 लाख इनकम आने वाली है, ऐसा मेरे को नहीं लगा। और बिजनेस में मेरे को जब गुरु है, मेरे जो बिजनेस इंडस्ट्री जीरो जिन्होंने मेरे को दिखाया था, जैसे DS पटेल सर ने ऐसा बोला कि अगर आप बिजनेस 3 साल 4 साल 5 साल अगर आप कर लेते हो दिल से,
तो 100% दावा के साथ मैं कहता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर अंदर में आपके घर पे हर महीने की इनकम 1 लाख से ज्यादा आने वाली है। तो मैंने उनके जो बोला था उन पे ट्रस्ट किया और बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जो भी काम करना चाहिए, जो भी बिजनेस सिस्टम जो बोल रही है वही सिस्टम को फॉलो करते रहा, तो उस बिजनेस इंडस्ट्री के माध्यम से जो मेरा टारगेट था पर मंथ 1 लाख रुपया कमाने का, लेकिन आज बिजनेस इंडस्ट्री के माध्यम से आज एक नहीं पर मंथ इनकी इनकम 2 लाख से ज्यादा आ रही है। इस बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो पैशन प्लस बाइक था मेरे पास, लेकिन वो भी बैंक के अंदर से लोन के द्वारा परचेज किया हुआ था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मेरा एक ड्रीम था एक कार परचेज करने का, तो इस बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर आने से बाद पहला कार परचेज किया जिसका नाम था होंडा की गाड़ी थी। उसके बाद एक दूसरी कार परचेज किया जिसका स्विफ्ट डिजायर कार था। उसके बाद एक तीसरा गाड़ी परचेज किया जिसका नाम है होंडा की WRV कार। मित्रों, एक कार परचेज करने का जो मौका मिला, एक के बाद एक कार चेंज करने का जो मौका मिला, उसका श्रेय अगर जाता है तो वो है MI लाइफस्टाइल। यस या नो? इस बिजनेस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के बाद मेरा एक और ड्रीम था विमान में बेचने का, प्लेन में घूमने का। तो बिजनेस इंडस्ट्री के माध्यम से कई बार प्लेन में घूमने का मौका मिल चुका है, और एक टारगेट था फॉरेन घूमने का। तो बिजनेस इंडस्ट्री के माध्यम से एक बार नहीं 3 बार फॉरेन कंट्री को घूमने का मौका मिल चुका है मित्रों। और इस बिजनेस इंडस्ट्री के माध्यम से मकान परचेज करने का एक और टारगेट था। फैमिली ने बोला था अगर आप इस बिजनेस के माध्यम से इतनी सारी इनकम कमा रहे हो तो आप एक मकान परचेज भी कर लो। तो आज इस बिजनेस के माध्यम से एक मकान भी परचेज किया है जिसकी आज की तारीख में उसकी वैल्यू है 40 लाख रुपए का मकान में आज मैं रह रहा हूं। और इस बिजनेस इंडस्ट्री के माध्यम से आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में और भी कई सारा अचीवमेंट करने वाला हो, तो आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर में मैं CTC जा रहा हूं। और दूसरा टारगेट है 4 लेक के अंदर, तो आने वाले 5 महीने के अंदर अंदर में मैं एमरल बनने जा रहा हूं। तो इस बिजनेस इंडस्ट्री के माध्यम से आप कई सारे सपने आप अचीव कर सकते हो। आपके और आपके फैमिली के जो भी ड्रीम है वो ड्रीम आने वाले 5 या 10 साल में अचीव कर सकते हो। लेकिन आप जो बिजनेस कर रहे हो, अभी जो काम कर रहे हो इस बिजनेस के माध्यम से, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो काम कर रहे हो उसके माध्यम से अगर 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया आने वाला है तो माई लाइफस्टाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल 10 साल के बाद भी अगर आपके घर पे 5 लाख 10 लाख की इनकम नहीं आने वाली है तो माई लाइफस्टाइल के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। तो आप भी माई लाइफस्टाइल बिजनेस इंडस्ट्री में आगे बढ़ो और आप और आपके फैमिली के सपनों को साकार करो। इसी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल।